चैनल विद अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप तो ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मजे ले रहे होंगे। तो हम सब एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। जैसे कि आपको पता है कि आज जो है वो जामिया के, पता नहीं आपको पता ही नहीं पता है लेकिन मुझे पता, आज जामिया का है फाउंडेशन डे और जामिया को हो गए हैं पूरे 104 ईयर्स। तो भाई जामिया का फाउंडेशन डे है तो जाना तो बिल्कुल जरूरी है। कॉलेज का ऑफ लेके मैं जामिया जा रही हूँ ताकि मैं फाउंडेशन डे को अटेंड कर सकूँ, क्योंकि जामिया से अलग लगाओ। कॉलेज से मुझे इतनी मोहब्बत नहीं है, मुझे अपना कॉलेज इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब भी मैं जामिया को देखती हूँ ना, और तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है। जामिया के बारे में ना ही मैंने कभी बुरा सुना है, और मेरी फ्रेंड्स हमें जब हमेशा मतलब बोल जाती थी कि यार ऐसा है ऐसा है, मैं बोलती थी यार तुम इतने लोगों को क्रैक करके आए हो जामिया में है और फिर भी तुम आके यहाँ पे बुराई कर रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। मैं कभी जामिया की बुराई नहीं करती थी, मुझे जामिया से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत प्यारा लगता है। तो इसलिए फाउंडेशन डे था तो मैं इसको स्किप नहीं कर सकती थी, एक दिन ऑलरेडी मैंने स्किप कर दिया। तो अब मैं और अस्मा पे जा रहे हैं जामिया, देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इतना प्यारा लग रहा है, जो नया गेट बना है ना जामिया का, वो तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने रील देखी है उसकी, वो बहुत ही प्यारा डेकोरेट हुआ हुआ है। अब इस टाइम तो नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट्स वगैरह वो रात को जलती हैं तो रात को अच्छे से वो दिखता है। तो अभी तो फिलहाल ये ज़्यादा लाइट्स वगैरह नहीं होंगी, लेकिन अभी मैं चल के दिखाती हूँ वहाँ पे क्या चल रहा होगा। शायद कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहा हो तो मैं आप लोगों को वो सब दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ और सब रेडी हो चुकी है, हम लोग निकलते हैं। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो गए, हम लोगों को 3:30 तक जाना था और 5 बज चुके हैं, तो इसलिए हम लोग चलते हैं। और आप लोग भी साथों साथ हमारे साथ जामिया के फाउंडेशन डे को अटेंड करें। अगर आप वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं तो वहाँ पे जाके भी अटेंड ज़रूर करें, क्योंकि भाई जामिया का फाउंडेशन डे है, 104 है, 104 ईयर्स हो गए जामिया को बने हुए। तो इसलिए हम लोग चलने लगे हैं, सब भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, सब भी चले। हाँ जी। चलो फिर निकलते हैं हम लोग फिलहाल, और गेट बंद कर लेना। चलो आपके पास अच्छी नहीं लग रहा, सैंडल मेरे अच्छे लग रहे हैं। अम्मा को मेरे सैंडल नहीं अच्छे लग रहे हैं, आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं, आपको दिखाऊंगी नीचे जाके। फाउंडेशन डे पर देख सकते हैं कि जामिया के बच्चों ने एक मस्त देने की कोशिश की, ये कोई आप नहीं कर सकते कि एडमिनिस्ट्रेटर Thank you.
यहाँ से। एक सीन हो गया जो कि मैं आपको घर जाके बताऊंगी पूरी डिटेल में कि एक्चुअल में हमारे साथ वो हादसा वो सीन क्या पेश आया है। अंधेरा हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, यहाँ एक लाइट भी नहीं जल रही है गाइस। आप हमें ऐसे पहचान सकते हैं हमारी आवाज़ों से राइट ना? आने वाली है रोशनी, मैं आपको घर जाके वो सारी डिटेल बताऊंगी जो हमारे साथ अभी हुआ। चलिए जी, तो हम आ गए घर पे और फाउंडेशन डे था जो कि अच्छा हो गया। बात ऐसी थी जो हमारे साथ सीन हुआ, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हमारे साथ एक सीन हो गया, मैं घर जाके बताऊंगी। वो ये हुआ था कि जब हम पहुंचे हम लेट हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 3:30 बजे निकलने वाले थे लेकिन 5 बज गए थे निकलते तो हम लेट हो गए थे। इसलिए वहाँ पे जब हम पहुंचे तो जो भी प्रोग्राम्स थे, कल्चरल प्रोग्राम थे, वो सब खत्म हो चुके थे। तो पहले तो गार्ड हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहा था कि नहीं जी आप नहीं जाएंगे, ख़त्म हो चुका है, सब बाहर आ रहे हैं, देखिए एग्जिट ले रहे हैं, तो आप लोग जाके क्या करेंगे। हम बहुत टेंशन में आ गए यार, इतने दिल से हम आए हैं और हमने फिर कॉलेज से ऑफ लिया, फिर हम यहाँ पे आए हैं तो हम बड़े मायूस से हुए। फिर मैंने बोला सर फिर चलते हैं, और जो है हमने गार्डन गर्ल से बोला कि हम ऐसे टहल के आ रहे हैं, अंदर जाना है हमें, हम टहल के आ रहे हैं। बोला अच्छा आप लोग जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हो। हम लोग गए तो सब कुछ वहाँ ख़त्म था, सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह ही ले रहे थे और लोग बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ पे। तो फिर एक जगह हमें काफ़ी भीड़ नज़र आई, तो मैंने इस मप्पी को बोला सर एक काम करते हैं हम लोग वहाँ चलते हैं, वहाँ भीड़ हो रही है काफ़ी सारी, तो वहाँ देखते हैं क्या सीन चल रहा है। तो हम लोग बड़े आगे तो वहाँ पे JMI 24 लिखा हुआ था जो कि दियो से लिखा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उस टाइम वो दिए जलाए जाएंगे, तो जैसे हम पहुँचे तो सब लोग उन दियो को जलाने जा रहे थे। उसके बाद हमने उस चीज़ को इंजॉय किया, हमने भी उनके साथ बैठ के दिए जलाए और पूरे JMI को रोशन कर दिया। असमा पी ने, मैंने, हम सब ने, मतलब वहाँ इतने सारे दिए थे हर कोई जला रहा था, ठीक है। तो वो सारा उसके बाद जलने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, सीरियसली यार वो चीज़ बहुत अच्छी थी। और फिर उसके बाद हम वो आर्ट गैलरी में गए, जैसे कि मैंने आपको आर्ट्स दिखाई हैं, इतनी प्यारी प्यारी आर्ट्स थी और एक फेदर था, वो रियल फेदर था, कितना खूबसूरती से उसके ऊपर काबा बना हुआ था, कितनी प्यारा लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, वो आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा कि कितनी प्यारा लग रहा था। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और जो कि छोटा सा व्लॉग है बहुत सारी यादों के साथ है, क्योंकि जामिया में इतनी सारी यादें हैं हमारी, इतनी सारी मेमोरीज हैं, इतने सारे इमोशंस हैं, तो वो सब आज रिकॉल हो गए। मैं काफ़ी दिनों के बाद जामिया में गई थी, मेन बात तो ये, बहुत दिनों बाद मतलब मेरा जाना हुआ था अब जामिया, क्योंकि जाना ही नहीं होता है जामिया के अंदर, क्योंकि कोई काम ही नहीं है अब ऐसा कि हम जामिया में जाएँ। सो ये वाला व्लॉग तो मैं यहीं पे एंड करूँगी, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डू सब्सक्राइब शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और इंस्टा पे मैंने बहुत अच्छी रील अपलोड की है, उसे जाके आप ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले व्लॉग में, खुदा हाफिज़।